हो गया है उस्ताद। प्लीज उस्ताद, अब तुम गीतकार से संपादक हो गए हो, अब ये बेबाक करना तो छोड़ो, क्या इंप्रेशन पड़ेगा लोगों पर। ठीक है छोड़ दूंगा अबे, छोड़ दूंगा। ये साली आदत बड़ी गंदी चीज है। फिर वही साला साली, ध्यान रखो उस्ताद ध्यान। हाँ अब देखो क्या शानदार लग रहा है बोर्ड, 100 मीटर दूर से ही लोग पढ़ लेंगे तुम्हारे अखबार का नाम, खबरदार, देश का एकमात्र निडर साप्ताहिक। उस्ताद लो हो गई ख्वाहिश पूरी, बन ही गए बुद्धिजीवी। अरे मेरा भी नाम असर राजवी है, राजवी। दिखा दूंगा पूरे शहर को एडिटरी कैसे की जाती है। 3 महीने से मेरे 30-30 गीत वापस कर दिए कमबख्तों ने, अब इन लोगों को बता दूंगा मैं। उस जालिम संपादक से तो जरूर बदला लेना है उस्ताद, जिसने तुम्हें लिख भेजा था, कृपया आगे से रचनाएं ना भेजें। हाँ, सबसे पहले स्टोरी उसी पर छापनी है। अबे तू पत्रकार क्यों नहीं बन जाता, मैं तुझे अपॉइंट कर देता हूं खबरदार साप्ताहिक के मुख्य संवाददाता के पद पर। उस्ताद तुम्हारे लिए कुछ भी बन सकता हूँ उस्ताद, कुछ भी। तो समझ अभी से ही तेरी बहाली। अब चल, ढेर सारे काम बाकी हैं, पहला अल्पलान करना है, फिर कुछ कुछ लोगों को बहाली भी तो करनी है ना। और फिर प्रेस खोजना होगा जहां अखबार छप सके, साइन बोर्ड वाले का उधार चुकाना होगा। हाँ? उधार? अरे साइन बोर्ड वाले का कौन सा उधार भाई, कौन सा? वाह उस्ताद, अभी अभी ये बोर्ड टंगवाया और भूल गए कि इसका पैसा भी नहीं दिया। माशाल्लाह नामी संपादक बनोगे। अरे जब तू पत्रकार हो गया तो तरीका भी सीख ले है? अब जिनका उधार है उसका विज्ञापन भी छाप देंगे, ये प्रतीकात्मक तरीका है। क्या प्रतीकात्मक तरीका है उस्ताद, वाह मान गए तुमको। जाता हूँ आज ही सारे शहर से उधार ले आता हूँ। ठीक है बाद में चले जाना, अभी तो पहले अंक की प्लानिंग करनी है। मगर ये प्लानिंग बिना किसी मैटर के कैसे होगी उस्ताद? अरे अखबार पढ़ता है ना तू? हाँ हाँ कितने पढ़ता है, कितने? वही नगर वाले तीनों। उन्हीं तीनों का काम है। मतलब कि तीनों अखबार ले आ और किनारे किनारे की छोटी मोटी खबरें छाट ले और दे दे, बस तैयार। मगर साहित्यिक कॉलम उस्ताद। अबे गज, मेरे जो 30-30 गीत वापस आए उसका क्या होगा? तो क्या 300 गीत एक ही अंक में दोगे उस्ताद? हमीद तू समझता क्या है, क्या समझता है? क्या मेरे भीतर छपास की इतनी भूख है? ज्यादा नहीं, बस हर अंक में 10 गीत दे दूंगा, 3 अंकों में ही मामला साफ। बस 10-10 गीत? मारे गए उस्ताद। उस्ताद दूसरों का भी तो ख्याल करो। हाँ क्यों नहीं, लेकिन कान खोल कर सुन ले, शुरू के 3 अंकों तक जितनी भी रचनाएं आए सब बिना पढ़े वापस कर दे। हाँ और हाँ ध्यान रख, धन्यवाद सहित, मुझे बहुत तरसाया है भाइयों ने बहुत। अबे देख तो कौन है। अरे बंदूक दैनिक का रिपोर्टर लग रहा है उस्ताद, कहो तो डांट के भगा दूं। अबे नहीं बे, उसे बुला ला भीतर, उससे भी एक पुराना बदला चुकाना है। आ जाओ भाई आ जाओ। हाँ हाँ आ जाओ। जी जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार। रिपोर्टर साहब आज इधर कैसे आना हुआ? जी सर ऐसा है कि काम चाहता हूँ आपके यहाँ, बाहर बड़ा शानदार बोर्ड है। अच्छा तो काम चाहते हैं आप? जी हाँ। याद है पिछली बार आपने ही धक्का मार कर निकाला था मुझे, जब मैं ये गजल लेकर गया था आपके यहाँ। मैं बेहद शर्मिंदा हूँ, लेकिन हुजूर गौर करने की बात है कि अब इसमें गौर करने की क्या बात हो सकती है बे? देखिए
एक सभ्य अखबार के सभ्य पत्रकार को असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये संसद नहीं, मेरा घर है, जैसा चाहूंगा वैसा बोलूंगा। और जो तूने उस्ताद को धक्का देकर निकाला, क्या वह एक सभ्य अखबार के पत्रकार को शोभा देता है? हाँ, वो एक सभ्य अखबार नहीं था, इसीलिए तो आपके यहाँ आना चाहता हूँ। अरे, जिसे मैंने धक्का मारा वो एक अदना सा गीतकार था, जिससे काम मांग रहा हूँ वो एक संपादक है। ये बात तो तुमने भाई ठीक की, संपादक। हाँ, संपादक तो हूँ ही मैं। क्यों वे हमें दे दो इसे नौकरी? हरगिज नहीं उस्ताद, हरगिज नहीं। भूल गए अपना अपमान? याद है, उसी धक्के की वजह से तुम्हें अभी तक कमर में तेल लगवाने की जरूरत पड़ती है। ठीक कह रहा है, देख भाई शाम तू चला जाए यहाँ से। लेकिन कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सुनने वाला। कहना तू चला जाए यहाँ से। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। जब ये अखबार बिक गया ना, तो आना मेरे अखबार में। अब की वो लात लगी। देख देख क्या रहा है, पैर पेट इसको। उस्ताद उस्ताद, गुस्सा थूकिए उस्ताद, वो हम दोनों से मजबूत है, अपनी मार भूल गए क्या? हमें उसी का तो बदला लेना था। तुम भी कैसे अदीब हो उस्ताद, वह लात चलाने की बात करता है, तुम कलम चलाओ। अकबर ने तो लिखा भी है, जब लात मुकाबिल हो तो कलम। अरे नहीं, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। हाँ हाँ, वही, वो तो प्रतीकात्मक हो गया ना उस्ताद, मैं डायरेक्ट कह रहा था। बस बस, बातें बंद। मान गए उस्ताद, मान गए, बड़ा शानदार निकला अंक। लोग क्या करें? अब लोगों के बोलने का छोड़िए उस्ताद, वो तो आपसे जलते हैं। कह रहे थे। क्या कह रहे थे बे? कह रहे थे कि सारे गीत अपने ही छाप डाले, दूसरों का कुछ दिया ही नहीं। अरे कहाँ से देता, जगह बची रहती तब ना। और उस्ताद कह रहे थे। बोल बोल, डर मत है, डर मत बे। कह रहे थे पहला ही गीत चोरी का है। कौन सा गीत बे? वही, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर। कह रहे थे किसी साहिर का है। शाहिर ने जब लिखा था तब लिखा था, इस बार मैंने लिखा है, जाकर कह दे। और कह रहे थे उस्ताद कि खाली विज्ञापन ही विज्ञापन है। कहा क्यों नहीं देखूचू, कि अखबार विज्ञापन के लिए ही निकलता है, और विज्ञापनों में जानकारी नहीं होती क्या? हाँ, ये बात तो है। अच्छा देख बे, इस अंक में किसी का उधार तो नहीं रह गया? अरे नहीं उस्ताद, सबका चुकता हो गया है। प्रेस वाले का? उसका दो पेज का विज्ञापन डाल दिया उस्ताद। अब कागज वाले का? उसका भी आधा पेज है उस्ताद। ब्लॉक वाले का? एक पेज। और किसका किसका चुपता कर दिया? उस साइन बोर्ड पेंटर का उस्ताद, उसे एक चौथाई पेज दे डाला। चाय वाले के नाम भी 10x10 का एक विज्ञापन लगा दिया। अच्छा, वो भी क्या याद करेगा बेचारा। बस वाह, ये भी सब ठीक है, अब दूसरे अंक की तैयारी शुरू करनी है। सामान को पकड़ो पकड़ो। अरे अरे, असर राजवी बाहर निकल, हमारा पैसा दो। अरे ओ हमीद, दो हमारा पैसा। हमीद देख तो, देख तो कौन लोग हैं, बुझाता है, कोई प्रशंसक आया है। अरे वो लोग कह रहे हैं गीतकार संपादक पुकार रहे हैं। नहीं उस्ताद, ये तो प्रेस वाला, कागज वाला, साइन बोर्ड वाला, ब्लॉक वाला, चाय वाला। मगर ये लोग काहे को आए हमीद? बताते हैं काहे को आए हैं। अबे वो जो मेरा बकाया है 1750 रुपये का, उसे जब तक चुकाने नहीं आया तो आना पड़ा। मगर मगर आपका तो दो पेज का विज्ञापन हमने छापा है, हमारे एक पेज की दर 1000 रुपये है, कायदे से आपको और 250 रुपये देने चाहिए। अच्छा, किसने कहा था बे विज्ञापन छापने को? और मेरे 800 रुपये बच्चू, उसे भी विज्ञापन में निकाला है ना। साले, मुझसे कागज लिया और मुझे ही मुड़ेगा। मैं तो चला अपना बोर्ड उखाड़। अरे तुम अपना बोर्ड उखाड़ते रहना भैया, मैं तो पहले इसकी मूछें उखाड़ूंगा। 8 दिन में 40 रुपए की चाय पी गया और अब चला रहा है।
सर संपादक महोदय, हाँ। अखबार तो निकाल लिया आपने, अब विमोचन हो जाए। अखबार का या इस संपादक के बच्चे का? हमीद हमीद, अरे क्या कह रहे हैं लोग? संभलो उस्ताद, प्रतीकात्मक है, हमारा विमोचन करेंगे ये सब। अरे उद्घाटन मैं करूंगा, मैंने भी बहुत दिनों से कसरत नहीं की है, आज हाथ की हड्डियां कुछ ढीली हो जाए। हुजूर हमारा बहुत थोड़ा सा बकाया है, शुरुआत हमें ही करने दें, आप लोग अपना हिसाब चुकाते रहिएगा। हमीद, अरे ओ हमीद, पुलिस बुलाओ, पुलिस। अरे बस बहुत हो गया भाइयों, बहुत हो गया, हो गया, हो गया। अरे कान खोलकर सुन ले रे गीतकार, ये तो अभी एक ही किस्त है, अब पैसे चुका देना वरना। ऐ चलो भाइयों, चलो चलो चलो। अरे मैं आ गया। अबे 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 तू कहाँ था बे? मैं उस टेबल के नीचे छुपा था उस्ताद। कमबख्त ने बहुत मारा ना उस्ताद। अरे चिंता मत कीजिए उस्ताद, गुस्सा थूकिए, इस तजर्बे को भी खुदा की देन समझिए। खैर मैं पूरी स्टोरी तैयार कर रहा हूँ, खबरदार साप्ताहिक के संपादक की बेरहमी से पिटाई, इस शीर्षक के साथ पूरा आंखों देखा हाल अगले अंक में दूंगा उस्ताद। खबरदार, जो अगला का नाम लिया भी खबरदार। हाँ हाँ उस्ताद खबरदार। हमीद खबरदार। अभी आप सुन रहे थे प्रियदर्शन का लिखा ये प्रहसन खबरदार, प्रस्तुतकर्ता MS बेक। अब हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।